हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फिट एंड फाइन। पिछले कुछ दिनों से आई गेस फ्रॉम पास्ट 2-3 वीक्स आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर अ सिंगल वीडियो फॉर यू ऑल एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दोज़ हू आर यू नो एंटायरली फॉलोइंग माई चैनल, एक्सक्लूसिवली फॉलोइंग माई चैनल फॉर दी अपडेट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू देम, बट देवर सम हेल्थ इशूज़ जिसकी वजह से मैं ये वीडियोज़ प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। बट सिंस नाउ आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, सो आई थॉट वाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल डे फॉर प्रिपेयरिंग अ वीडियो, एंड हेयर आई एम बैक अगैन विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। एक छोटा सा जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करना चाहूँगी वो ये कि मेरे चैनल का जो नाम था पहले वो था jrf.com, एंड देर वर अ नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु टोल्ड मी कि मैम आपका चैनल फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि नाम यूनिक तो है बट साथ ही साथ उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जा रहा है। सो आई जस्ट थॉट टू चेंज द नेम ऑफ द चैनल। नाउ द नेम ऑफ माई चैनल इज कॉमर्स नेट स्कॉलर्स, यू कैन ईजिली फाइंड आउट नाउ ऑन यूट्यूब, and I hope you all will be regular and you'll be following all the updates that are given in the channel. All those जो इस चैनल के लिए नए हैं उनके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड बी रेगुलर विद द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के वीडियो में हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बचे हुए कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे वो हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं वो है NBFC, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स। ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ इनका मीनिंग समझना है कि बेसिकली ये तीनों हैं क्या, जिनसे कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट यू नो वाई टू मिस आउट एनी ऑफ द टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ NBFC। NBFC का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि NBFC एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है क्या। सो NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन अ वैरायटी ऑफ वेज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस, लीजिंग, हायर परचेज एट्सेट्रा। NBFC बेसिकली है क्या? देखो, बैंक्स जितने भी हमारे हैं वो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, बैंकिंग कंपनीज के अंदर आते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड है। वेरेज जो NBFCs हैं ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये कह सकते हो एक ग्रुप है या एक सोसाइटी है या एक कॉरपोरेशन है जो कि फॉर्म किया गया है कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, जो कि डिपॉजिट्स में यू नो इन्वॉल्व होती है, फिर लोन्स प्रोवाइड करती है, एडवांसेस प्रोवाइड करती है, लीजिंग, हायर परचेज, इन सब एक्टिविटीज़ में ये कंपनीज इन्वॉल्व होती है। NBFC का जो मिनिमम नेटवर्थ फंड है वो है 25 लाख, जिसको रेस किया जा सकता है अप टू 200 लाख। नाउ NBFCs एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट शुड कंप्लाई विद NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 1988। इसको प्लीज़ याद रख लेना कि जब भी NBFCs बेसिकली लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर वो डिपॉजिट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर वो पब्लिक डिपॉजिट्स अपने पास रख रहे हैं, तो जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर डिपॉजिट्स अपने पास रखने के लिए, वो किससे कंप्लाई करने चाहिए? NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 1988। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा म्यूचुअल फंड्स। ये तो सभी को पता है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अर्निंग बाय नाउ, एंड जब हम अर्निंग करते हैं तो हमारा एक इंटेंट होता है कि हम सेव करें, तो म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए जो सबसे कह सकते हैं अच्छा सेविंग प्लान जो दिमाग में आता है वो हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स आता है। और अब तो ये बहुत कॉमन सा टर्म है जिसके बारे में सबको ही पता है, बट लेट्स स्टडी, टीवी पे सारा दिन ही ऐड आता रहता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये वही वाला म्यूचुअल फंड्स है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। द मनी पुल्ड इन बाय लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इट व्हाट मेक्स अप म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड्स में देर आर अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन टू दिस प्रोसेस, एंड हर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है। जब वो पूल ऑन हो करके एक लार्ज अमाउंट बन जाता है तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब इसको मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इट इज़ अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड देन फर्दर इन्वेस्ट it
इन इक्विटीज़, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। अभी क्या बताया मैंने कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, हम उनसे मनी पुल आउट करेंगे और इस पैसे को हम लगाएंगे इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट के जो हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यू कैन गो थ्रू इट, कि मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दैट द यू नो कंपनी इज ऑफरिंग टू इन्वेस्ट इन टू। ठीक, अब ये जो डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो कौन कौन से? सबसे पहला है मनी मार्केट फंड्स, जो कि शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आई अगेन सजेस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो जो मैंने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बनाया हुआ है। ठीक है, ये सेफ तो होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड हैं इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन साथ ही साथ इनका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है फिक्स्ड इनकम फंड्स, बेसिकली ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना जो कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में उस वो जो रिटर्न आपको गारंटी किया गया है उससे ना आपको ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, एक रेट ऑफ रिटर्न फिक्स कर दिया गया और उसी के बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? जब भी हम जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में करते हैं, वो सारा हमारा कहलाता है इक्विटी फंड्स। फिर आता है बैलेंस्ड फंड्स, बेसिकली ये एक कह सकते हो कॉम्बिनेशन है या एक मिक्स है इक्विटीज़ और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में क्या होता है कि डिफरेंट इंडेक्सेस जो हैं उनकी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद ही पैसे लगाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और लास्ट है हमारा स्पेशलिटी फंड्स, बहुत कह सकते हो स्मॉल सेगमेंट्स या फिर किसी एक स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट पे फोकस किया जाता है। जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया एनर्जी सेक्टर में या टेलीकॉम सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल सेक्टर को हमने चूज़ किया और उसी में हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स बेसिकली क्या होते हैं? देखो, एज द नेम सजेस्ट यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई डाउट ना रह जाए दिमाग में। तो बेसिकली पेंशन फंड्स क्या होते हैं? जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे मेक एन अटेम्प्ट कि जब उनका एम्प्लॉय का टेन्योर खत्म हो जाए जॉब का, जब वो अपने रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाए, तो उसके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हो उसकी आगे की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उस वर्कर के या उस एम्प्लॉय के या उस पर्सनल के आगे की लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, वो कहलाता है हमारा पेंशन फंड्स। दीज आर द इन्वेस्टमेंट पूल्स पेड फॉर दैट पे फॉर वर्कर्स रिटायरमेंट। फंड्स आर पेड आइदर बाय एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स और बोथ। पेंशन फंड्स में जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो या तो एम्प्लॉयज पे करते हैं एक्सक्लूसिवली, या तो एम्प्लॉयर्स पे करेंगे, या फिर दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में एज डिसाइडेड बिटवीन द टू कुछ ना कुछ अमाउंट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इस पेंशन फंड में। Corporations and all levels of government organizations provide pension facility to their employees. ये तो आप सबको पता ही है कि pension facilities basically government organizations में तो मिलता ही है, साथ ही साथ कुछ private organizations या corporations भी हैं जो कि pension funds provide करती हैं, right? The retiree receives the same amount as guaranteed. जितना आपने अपने account के लिए, अपने particular pension fund के लिए जितना amount आपने contribute किया है, उतना amount जो कि आपको guaranteed है कि आपको retirement पे इतना amount मिलना है, वो same amount आपको मिलेगा in the contribution that you have made for the fund. It is also known as super annuation fund in some countries. इसका दूसरा नाम क्या है? Super annuation fund, और ये कुछ countries में इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, so I just hope कि आज के जो हमारे तीनों topics हैं वो आपको clear हो गए होंगे। Now I'll just hope I'll be posting the videos on a regular basis, and at the same time I expect you all to be regular for the channel for all the latest updates. अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe it right now and be regular with the channel. Till then, take care, thank you.